कोरोना महामारी के खात्मे के लिए जहां सरकार और प्रशासन काम कर रहा है, तो वहीं मुरादाबाद का तीर्थांकर महावीर हॉस्पिटल लगातार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता में अपनी अलग पहचान बना रहा है। मुरादाबाद के इस तीर्थांकर महावीर हॉस्पिटल में एक सप्ताह तक अपनी सेवाएं देने वाले कुछ डॉक्टरों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसके बाद सभी डॉक्टरों ने क्वारंटाइन खत्म करने के बाद वापिस अपने घरों को लौटे हैं। सभी का ये कहना था, ये दिन हमारे बहुत अच्छे बीते हैं और हम सुरक्षित हैं। अब आने वाले समय में हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और बेहतर कार्य करेंगे और हमारा सिर्फ ये है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देश और समाज की सेवा कर सकें। तीर्थांकर महावीर हॉस्पिटल के सभी लोगों का ये कहना है कि हम इस महामारी के खात्मे के लिए अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। वेलकम टू होम TMU कोरोना वॉरियर्स, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, सॉन्ग से फैकल्टी ब्लॉक हुआ भावुक। खास बातें, क्वारंटाइन के बाद तीन डॉक्टरों की घर वापसी, फैकल्टी ब्लॉक में हुआ देवदूतों का अभिनंदन, बरसाए गए फूल, बजाई गई खूब तालियां, करमवीर बोले हम होंगे कामयाब। TMU COVID-19 हॉस्पिटल में तैनात रही कोरोना वॉरियर्स की टीम, तीन में शुमार तीन डॉक्टर्स 14 दिन की होम क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण करने के बाद सकुशल अपने घर फैकल्टी ब्लॉक लौटे तो उनका अविस्मरणीय अभिनंदन हुआ। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर नुपुर नंदी और डॉक्टर प्रशांत जैसे यूनिवर्सिटी और फैकल्टी ब्लॉक पहुंचे तो वहां प्रतिरक्षात उनके परिजनों, प्रशासनिक अधिकारियों, सहकर्मियों ने पुष्प वर्षा करके और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। इन देवदूतों का स्वागत करने वालों में तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की प्राचार्य डॉक्टर श्यामोली दत्ता, नोडल अधिकारी डॉक्टर नजमुल हुदा, निदेशक विपिन जैन, प्रोफेसर आर.के. द्विवेदी, डॉक्टर मावस्थी, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर आशुतोष के अलावा विनीता जैन, अहिंसा जैन, प्रियंका द्विवेदी आदि शामिल रहे। दरअसल फैकल्टी स्टाफ को जैसे ही मालूम हुआ कि क्वारंटाइन के बाद तीन डॉक्टर्स 21 दिन बाद अपने घरों को लौट रहे हैं तो हौसला अफजाई को ये सभी अपने क्वार्टर के बाहर आ गए और सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करते हुए मास्क पहनकर इन्होंने न केवल फूल बरसाकर इन कर्म योद्धाओं का अभिनंदन किया बल्कि ताली बजाकर कहा वेलकम टू होम। इस मौके पर इन डॉक्टर्स ने कोविड के खिलाफ जंग के अपने अनुभव भी साझा किए। फैकल्टी ब्लॉक में भावुक होकर डॉक्टर्स बारी बारी से बोले, इसमें कोई छिपाव नहीं है, शुरू शुरू में हमें डर लगा लेकिन डॉक्टरी पेशे में आने के वक्त मानव सेवा की ली शपथ का तुरंत स्मरण आते ही हम संजीदगी से अपना फर्ज निभाने में जुट गए। ऐसी चुनौती पहली बार मिली, हमारे लिए नया हो रहा लेकिन कुलाधिपति सुरेश जैन ने और ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन जी के दिल से आभारी हैं, उन्होंने हमारे हौसले हमेशा बुलंद रखे। प्रशासनिक अफसरों के संग संग नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के सहयोग को भी भुलाया नहीं जा सकता है, उन्होंने ये कहकर अपनी बात समाप्त की हम होंगे कामयाब। हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी डॉक्टर नजमुल हुदा, निदेशक विपिन जैन, मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर श्यामोली दत्ता, डॉक्टर सीमा अवस्थी बोली, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी को इन देवदूतों पर गर्व है। दरअसल तीन सप्ताह तक कोविड के खिलाफ जंग में इन कर्मवीरों की ही परीक्षा नहीं थी बल्कि इनका पूरा परिवार भी इस कठिन परीक्षा में शामिल था। हम सबकी एकता, समर्पण और संजीदगी के चलते आधे से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ होकर TMU COVID-19 हॉस्पिटल से अपने अपने घरों को जा चुके हैं। अंत में फैकल्टी ब्लॉक का मंजर उस वक्त एकदम भावुक हो गया जब तीनों डॉक्टर और फैकल्टी ब्लॉक में मौजूद सभी एक स्वर में गाने लगे, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इसी के साथ वो स्मरणीय यादें लेकर फैकल्टी ब्लॉक में अपने अपने घरों को लौट गए। एक तो है हमारी ये प्रोफेशन जब चूज किए हैं, हम लोगों को लगता ही है कि ऐसे चैलेंज कभी आए तो डेफिनेटली सामने जाके फेस करना है, तो ये हमारे लिए भी एक नए एक्सपीरियंस है। बट थोड़ा सा डर तो नहीं था, ऐसे नहीं बताऊंगी, डर तो थोड़ा सा था, ऊपर से ये भी चिंता था कि हम लोग ना करें तो और कौन करेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हॉस्पिटल की, पूरे हमारी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से पूरा हमारा सहारा मिला है, हम लोगों के लिए बहुत ही ध्यान रखे हैं, तो हम लोग सब सही सलामत है क्वारंटाइन पीरियड के बाद भी। इसीलिए हम लोग ये भी सबको बताना चाहते हैं कि सब कोई बीमार नहीं पड़ जाते, प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ अगर सामने फेस करे तो मन में हिम्मत ना हारे तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। दुबे मेडिसिन डिपार्टमेंट से, एक मुश्किल समय से हम लोग गुजर रहे हैं और इसको मिलकर हम सबको इससे लड़ना है, डॉक्टर्स, प्रशासन, जो लोग भी हैं साथ में, हमारा नर्सिंग स्टाफ, सबको ही, हमको सबको साथ मिलकर लड़ना है और मिलकर हम लड़ेंगे और हम होंगे कामयाब। धन्यवाद। वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय स्टाफ, दे ऑलवेज स्टूड टुगेदर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड डेज और इमरजेंसीज एंड ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर दे ऑल फील, ऑल ऑल ऑफ अस फील
that they have taken their duties to their heart. In spite of their families, leaving their families behind, they have really worked day and night. And I appreciate them for all that, and we'll always be with them. And I'm very, very proud of all the workers, the nurses, the health workers, the doctors, who have spent all this time with them, with the patients, in spite of any fear. They did not show any fear. And even now they said that they were not frightened. They took their job as a priority. And I'm proud of all of you. अपना एक शब्द कहना चाहे हमारे डॉक्टर्स के लिए या उनके मोटिवेशन के लिए, उनके फैमिली के लिए, या हम सब लोग इसी का एक अंग है, तो आप में से कोई आ सकता है इंसाफ आना चाहे, या डॉक्टर सीमा आप आ जाइए। आई जस्ट वांट टू से कि व्हेनेवर वन फैकल्टी मेंबर और एनी स्टाफ व्हेन दे गो फॉर द एनी ड्यूटी, इट्स नॉट ओनली ही और शी व्हिच हु इज फाइटिंग, हु इज इन फियर, हु इज इन डेंजर, एक्चुअली द होल फैमिली इज विद हिम और हर एंड एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद द क्राइसिस. And this is the time of crisis. We all have to be together. We have to fight it. We cannot run away. We have to fight it. And definitely we will be successful. Jaisa Dr. Saab ne bola ki hum honge kamyab. Yeah, I would like to say definitely the whole world, globally we are facing this crisis and going through a very, very difficult situation, and doctors, nurses, medical staff and all of the people who are working as the frontline warriors, they are really doing a great job. And I, as a psychiatrist, I would like to say that this is the time when we all have to stand united. We have to work together and see to it that we are already facing one pandemic of this corona, and we have to keep ourselves healthy, not only physically but as well as mentally, so that we do not succumb to another pandemic of mental stress and other mental problems. So we all have to keep ourselves motivated. We have to keep ourselves very strong, healthy physically, mentally, and yes, we are doing it, we will do it together, we shall overcome this, definitely. Thank you. जो इस पूरे कोविड हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हुडा भी हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि इस अवसर पर वो भी अपने कुछ शब्द हम सब के लिए यहाँ पर कहें। ठीक, जब तुम कहोगे तो स्टार्ट। मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले करीब एक सवा महीने से हम सब लोग टीएमयू हॉस्पिटल और पूरा टीएमयू प्रशासन, हमारे सारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स, हम सभी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कभी कभी कुछ समय ऐसा आया था जब वाकई हम लोगों को बहुत चिंता भी हुई और बहुत दुख भी हुआ, जिस तरह से हम लोग मरीजों को देखते थे, मरीजों का आता था यहाँ, मतलब जब ख़ास तौर से जब हम लोगों ने देखा कि एक 18 महीने का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव था, कुछ बहुत छोटे बच्चे, 5 वर्ष के बच्चे, जिन्हें शायद कुछ मालूम भी नहीं था कि ये बीमारी क्या है, कैसे है, क्यों हुई, लेकिन वो लोग भी इस बीमारी से ग्रसित हो गए। पर हम सब ने अपने आप को संभाला और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि जितने भी मरीज भर्ती थे उनमें से करीब आधे मरीजों को हम लोगों ने बहुत बिल्कुल स्वस्थ हालत में डिस्चार्ज कर दिया है, और ये सिर्फ संभव हो पाया है हमारी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम, जिन्होंने बहुत ही सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ पेशेंट्स का इलाज किया और उनको ठीक करके यहाँ से भेजा। धन्यवाद। Thank you.